इस्लामपुर नगर परिषद की ओर से स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को आज जागरूक किया गया। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष किरण देवी ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 2 अक्टूबर के आलोक में लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया गया है। वहीं पार्षद तनवीर आलम ने कहा कि गांधी की स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की लोगों से अपील किया गया और सड़क की गंदगी को साफ सफाई करने का संदेश दिया गया कि आसपास में स्वच्छ वातावरण बनाए रखें। वहीं वार्ड 17 वार्ड पार्षद स्वाति देवी ने सड़क पर उतरकर सफाई अभियान चलाया और लोगों से अपने आसपास सफाई रखने की अपील की। इस मौके पर नगर परिषद बड़ा बाबू रवि सिंह, वार्ड पार्षद सुनील कुमार, प्रतिभा सिन्हा, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि पप्पू कुमार, वार्ड पार्षद मोहम्मद फिरोज आलम, समाज सेवी राजेश खन्ना, प्रेम कुशवाहा, उजाला सोनी, विजय विश्वकर्मा, अधिवक्ता विजय प्रसाद, संतोष उर्फ पुटू आदि लोग मौजूद थे। महात्मा गांधी की जयंती पर बोलिए, नगर पंचायत अध्यक्ष, सफाई अभियान पर क्या कहना है, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? महात्मा गांधी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान चल रहा है जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश साफ सफाई रखना, स्वच्छ वातावरण बनाने का अभियान चल रहा है, साफ सफाई रखना, जागरूक करना। चलिए ठीक, क्या संदेश देना चाहते हैं? गांधी जी का सपना था कि हमारा भारत स्वच्छ भारत हो, इसके लिए सरकार ने आज 1 तारीख को सफाई पखवाड़ा रखा है। इस सफाई के द्वारा यह संदेश देने का काम किया जा रहा है कि हमारे सफाई कर्मी सफाई करते हैं, लेकिन हम जब नहीं साफ रहना चाहेंगे तो लगातार सफाई कर्मी के सफाई करने के बाद भी सफाई नहीं हो पाएगा। सफाई करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यह पखवाड़ा रखा गया है कि हर आदमी अब सफाई कर्मी सफाई करके गए, अभी तुरंत आपने कूड़ा फेंक दिया, साफ कैसे रहेगा? तो हमको भी एक्टिव होना होगा। हमारे अध्यक्षा जी झाड़ू पकड़ करके यह संदेश दे रही है, जब हमारे चेयरमैन जो है इस्लामपुर की फर्स्ट पर्सन झाड़ू पकड़ सकते हैं, हम सबको झाड़ू पकड़ना चाहिए, हम सबको सफाई में लगना चाहिए, यह संदेश देने का काम किया जा रहा है। सरकार का यही उद्देश्य है कि हर जन सफाई के प्रति जागरूक हो और सफाई पूरा हो। महात्मा गांधी के सपनों का भारत जो है, जो हम महात्मा गांधी ने सपना देखा था, उसे हमारे भारत की सरकार पूरा उतारना चाहती है। इसमें आप सब मिलकर के तमाम लोग, तमाम भारत की जनता सहयोग करें और सफाई में अग्रसर हो। इसी तरह आगे भी नालंदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।